दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम रंगीला। और तीन चार दिन पहले आपने एक स्पूफ वीडियो हमारा बनाया हुआ नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू पर आपने सबने देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी किया, कांग्रेस वालों ने एंजॉय किया, आम आदमी पार्टी ने एंजॉय किया, या मोदी जी के जो भी विरोधी है उस सब ने वो एंजॉय किया, सब ने शेयर किया। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी शेयर करो कोई भी देखो, हमने एंजॉय के लिए बनाया था, मनोरंजन के लिए बनाया था। और जैसे हम बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं वैसे हम कांग्रेस का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हम कॉमेडियन हैं, हमारा काम भी कॉमेडी करना है। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कोई भी उसको शेयर करे, कोई भी वो मनोरंजन करे उस वीडियो से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब पाकिस्तान की मीडिया उस वीडियो को दिखाती है। मुझे बहुत बुरा लगा जब पाकिस्तान की मीडिया ने वो वीडियो दिखाया और ऐसे दिखाया जैसे हम मोदी जी को चाहते ही नहीं हैं, हम मोदी जी से परेशान हो चुके हैं, इस प्रकार से दिखाया गया। ऐसा कुछ था नहीं उस वीडियो में, जिस प्रकार से उसे पेश किया गया मुझे बहुत बुरा लगा। और पाकिस्तान की मीडिया, वो चैनल का नाम है अब तक, यार आज तक चैनल की तुमने कॉपी की हुई है, बातें तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो। दूसरी चीज़ मेरे से ये सुन लो आप कि आपने मोदी जी का मजाक उड़ाने पर इतना खुश होकर के अगर वीडियो दिखाया है तो आप ये बात मेरे से ही सुन लो। मैं ही श्याम रंगीला हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से आप मोदी जी से एलर्जी करते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आएंगे तो मोदी जी ही, मैं ही हूँ वो कॉमेडियन। हाँ, आएंगे तो मोदी जी ही, भले ही हम मजाक उड़ा रहे हों, भले ही हम कॉमेडी कर रहे हों लोगों के मनोरंजन के लिए, हम करते ही हैं, कांग्रेस की भी करते हैं। अच्छा, कांग्रेस की करते हैं की भी है, आपने वो तो कभी नहीं दिखाई, आपने मोदी जी का ही क्यों दिखाया? यार मेरे जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये समझो कि मोदी जी का मजाक ही वो क्यों दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मोदी जी से एलर्जी है पाकिस्तान को, और मोदी जी से अगर एलर्जी है तो मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि भैया आएंगे तो मोदी जी ही, क्योंकि पाकिस्तान को एलर्जी हो मोदी जी से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बंदा है जिससे एलर्जी है। राहुल गांधी का नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू बहुत ही जल्द आप देखोगे। अगर वो इंटरव्यू पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया, जिस तरीके से पिछला इंटरव्यू दिखाया वैसे ही अगर दिखा दिया, तो मैं वादा करता हूँ मेरा वोट राहुल गांधी जी को जाएगा। मैं ये वादा करता हूँ, पक्की बात है। अगर राहुल गांधी से उतनी एलर्जी जितनी मोदी से है, अगर पाकिस्तान को हो जाती है, तो मैं श्याम रंगीला कांग्रेस को वोट दूंगा, राहुल गांधी को वोट दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मोदी जी से एलर्जी है, किस तरीके से दिखाया गया वीडियो आप सब जानते हैं। पर्सनली मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे, जिस किसी को भी ठेस पहुँची हो। और लेकिन भविष्य में मैं बनाता रहूँगा वीडियो, तो फनी वीडियो तो मिलते रहेंगे आपको। आप शेयर भी करते रहिए, प्यार भी देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बात से अगर आप सहमत हो, एग्री हो, आपको लगे कि मैंने ये बात सही कही है, पर्सनली मैंने दिल की बात बताई है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जब बाहर तो पाकिस्तान की बात आती है या देश से बाहर की बात आती है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो पाकिस्तान का विरोधी है, पाकिस्तान जिसको नहीं चाहता है, मेरा वोट उसको। धन्यवाद।